नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अंतरा क्रिएशंस के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो टूटी चेयर से बने जिराफ प्लांटर को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिसने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर से मिनी प्लांटर बनाने जा रही हूँ, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और बनाने के बाद ये बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस तरह का प्लास्टिक फूड कंटेनर लिया है जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी का एक डो पहले से ही तैयार करके रखा था। अब मैं इसे रोटी की तरह बेल लूंगी और अब कंटेनर के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लूंगी। दोस्तों, इसे चिपकाने के लिए हमें किसी भी ग्लू या फेविकॉल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पानी से ही आसानी से चिपक जाता है और अच्छी तरह सेट हो जाता है। तो इस तरह से इसे पूरा लगाकर इसके हर एक ज्वाइंट को एक सार कर लूंगी, पानी से लगा करके थोड़ा सा इसकी सतह को स्मूथ कर लूंगी। अब मैंने यहाँ पर दूसरा दही का कंटेनर लिया है, इसे भी मैं उसी तरह से वॉल पुट्टी की डो से पूरा कवर कर लूंगी। तो दोस्तों, वॉल पुट्टी के डो को तैयार करना बहुत ही आसान है। इसे हम जिस तरह से आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से इसको गूंथकर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसको एक सख्त आटे की तरह गूंथकर तैयार कर लेंगे। तो अब इसी तरह से मैं आगे की वॉल पुट्टी से जो डिटेलिंग करनी है ना, वो भी मैं कर लेती हूँ। तो अब बारी आती है इसके छोटे छोटे हाथ बनाने की। तो उसके लिए मैं पुराने स्केच पेन का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिन्हें मैं बराबर बराबर दो हिस्सों में काट लूंगी। अब मैं यहाँ पर डोरी की मदद से इन दो स्केच पेन को और कुछ प्लास्टिक बीट के साथ पिरो लूंगी। यहाँ पर मैंने जूट रोप का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कोई भी थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इन दोनों कंटेनर को आपस में जोड़ने की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी के पेस्ट से ही इन्हें आपस में जोड़ लूंगी। जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसकी सरफेस को रेगमार्क की हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर लूंगी। अब शुरू करते हैं इसमें कलरिंग का काम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिकल के कलर का इस्तेमाल किया है।
तो अंत में वार्निश करना बिल्कुल ना भूलें, जैसा कि मैं अपने हर प्लांटर में करती हूँ। मैंने ये एक टॉल प्लांटर बनाया था कुछ बड़े कंटेनर से, तो आज वैसे ही छोटे कंटेनर से मैंने आज अपने गार्डन के लिए ये दो छोटे छोटे नए प्लांटर और बना दिए। तो कैसे लगे मेरे ये गार्डन के दो नए मेंबर्स? मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आए होंगे, आप भी इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह के कंटेनर ना हो तो आप कोई भी प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक की बोतल को काट कर उनका यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे अपने सवाल या सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।